आज कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं। और रानी तुम तो बिल्कुल भी मत कहना डॉक्टर सही मैं आज डाइटिंग पे हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों डॉक्टर? रानी नो डाइटिंग, नो डाइटिंग टुडे। अरे बस क्या, खाइए खाइए। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों क्यों नहीं चाहिए? प्लीज टेस्ट कीजिए ना। मुझे सत्या ने बताया कि आपको पूरन पोली कितनी पसंद है, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। टेस्ट करके बताइए कैसी है। अच्छी है? ये लीजिए और लीजिए। अरे लीजिए लीजिए बस। सही, सबको खिलाती रहोगी या खुद भी खाओगी? बस आ बैठो। बैठो बैठो। ओके थैंक यू। अरे सभी बेटा चलो आओ खाना खाओ। बच्चा लोग आप सब भी आओ, चलो खाना ठंडा हो रहा है। आज आपको सत्तू अंकल अपने हाथ से खिलाएंगे ये पूरी और ये सब्जी। एरोप्लेन आ रहा है सत्तू अंकल का और सभी के मुंह में गया। कितनी नसीब वाली है ना डॉक्टर सही कि उनको सत्या सर जैसे हस्बैंड मिले हैं। वो तो है, दोनों बच्चों के साथ कितनी अच्छी ट्यूनिंग है ना इनकी। उस दिन हॉस्पिटल में विनू के साथ दोस्ती कर ली और अब सभी को भी दोस्त बना लिए। बेटे के बर्थडे पर भी गए थे, डॉक्टर सई का हर कदम पर वो साथ निभा रहे हैं। हाँ सई को तो अच्छा पति मिला, लेकिन मेरे बेटे का क्या, कैसी पत्नी मिली उसे? सभी सभी इधर देखो। अरे इधर बाड़ा एक बार फिर से बोलो ना। गुड मॉर्निंग आई। फिर से आई। गुड मॉर्निंग। फिर से बस एक बार फिर से प्लीज। क्या हुआ आई, अब मुझे बार बार क्यों बुलवा रही हो? तरस गई थी आपके मुंह से आई सुनने के लिए। वो अब सुन के अच्छा लग रहा था ना आपकी आवाज, इसीलिए। अच्छा आई सभी कहाँ है? सभी सभी पढ़ाओ यही है। गुड मॉर्निंग सभी। गुड मॉर्निंग वेनू दादा। सभी तुम अभी भी आई के हाथ से खाना खा रही हो, इतनी बड़ी हो गई फिर भी? वो तो मैं अपना पैक पैक कर ली थी ना, इसीलिए आई के ला दिया। अच्छा बाड़ा मैं ना सभी के हाथों आपके लिए टिफिन भेज रही हूँ, ओके? और साथ में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी भेज रही हूँ, खा लेना ठीक है? ओके आई मैं खा लूंगा। देखो आई मैं खुद स्कूल के लिए रेडी हो गया, ये देखो। चलो वीनू लेट हो जाएंगे वरना। वेरी गुड। डोंट वरी बच्चों, मैं आपकी आई को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। बीनू, बाड़ा,
मैं ना सभी को नाश्ता करा के फटाफट भेजती हूँ स्कूल। आप भी चलो स्कूल के लिए निकलो वरना लेट हो जाओगे। ओके मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके बाय बाय बाड़ा, हैव अ नाइस डे। चले बाबा। सत्या मैं कह रही थी तुमने जो आज किया है ना वो दोबारा मत करना प्लीज। हाँ तुम कुछ कह रही थी क्या? मैं कह रही हूँ कि सत्या सुनो तुम दोनों ना आज जरा अस्पताल से जल्दी आना, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। क्यों किस बात की शॉपिंग? क्योंकि कल वट सावित्री की पूजा है और इस बार हमारे घर में भी ये पूजा होगी पहली बार। सही तुम्हारे लिए उपवास रखेगी और पूजा भी करेगी। हमारे घर में ये पूजा पहली बार हो रही है, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए, धूमधाम से मनाएंगे ये। सई अकेली की उपवास रखेगी, सई के साथ मैं भी उपवास रखूंगी। एक दिन की फास्टिंग से मेरी भी डाइटिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बोली गौरी ने, वैसे भी मैं रोज रियाज करके नटराज की पूजा तो करती हूँ, कल मैंने उपवास रख ही लूंगी। ठीक है तो तेरा कल सई सत्या के लिए उपवास रखेगी और हम सब सही का साथ देंगे। इस बार तो पत्र लिखा भी नहीं है, पता नहीं मेरे विराट के लिए उपवास कौन रखेगा। उपवास जिसको जीने की ख्वाहिश ना हो उसे लंबी उम्र की बद्दुआ क्यों देनी। विराट नहीं नहीं कोई उपवास रखे ना रखे उसे क्या फर्क पड़ता है, सही सत्या के साथ है, बाकी भी मुझे छोड़कर चली गई है, सभी भी सही के साथ है। और अब तो वीनू ने भी सही को माँ के तौर पर अडॉप्ट कर लिया है, अब मैं मर भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। विराट शुभ शुभ बोल बार, आइंदा ऐसी बात कभी अपने मुंह से मत निकाल। अच्छा लेकिन याद रखना घर जल्दी आना है, भूलना नहीं। चल आई अब हमें देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। सत्या कितनी बार बोला है जा रहा हूँ नहीं कहते, कहते हैं लौट कर आ रहा हूँ। हाँ आई लौट कर आता हूँ बस। सही चले भाई की बातों को ना जरा सीरियसली मत लो, तुम्हें बच्चावती का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आई के सामने नाटक कर लेना। तुम्हें जब भी भूख लगी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उपवास तो मैं रखूंगी, ये हमारी संस्कृति है और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारी पत्नी, तो तुम मैं हमारी इस परंपरा का अपमान नहीं कर सकती। डॉक्टर सत्यम सुना सही मैम कितने प्यार से आपके लिए पास रखने की बात कर रही है, लकी मैन हाँ। क्या सही की बातों में आखिर मेरे लिए प्यार है, क्या वो सचमुच मेरे लिए पास रखेगी? डॉक्टर सत्य डॉक्टर सही एक इमरजेंसी केस है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बहुत जख्मी हालत में है, उनकी फैमिली उन्हें लेकर आई है, आप दोनों जल्दी चलिए प्लीज। अभी के भी ओटी में लेके जाओ, हम लोग आ रहे हैं। कम ऑन क्विक जल्दी। मैम क्या हुआ? हम लोग वेंट पे। मैम आप प्लीज आराम से बैठिए प्लीज। हम लोग हुआ है, आप इन्हें पानी दीजिए। तुम डॉक्टर सुरवासे को ओटी में बुलाओ, हमें उनकी जरूरत होगी। Okay, sir.
आओ सर, अभी कमिश्नर सर को यहाँ से लेकर गए थे, कहाँ हैं? सर डॉक्टर सही डॉक्टर सत्य उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर, थैंक यू। सबसे पहले आप घबराइए मत और हमारी बात ध्यान से सुनिए। अपना हाथ मत हटाइएगा वरना इनकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। सिया, ये सब हुआ कैसे? पापा हम और मैं कार से जा रहे थे और अचानक से कुछ लोगों ने कार पे अटैक कर दिया। पापा उन्हें रोकने के लिए बाहर निकले और मुझे अंदर झुक के बैठे रहने को बोला। मैं कुछ देख तो नहीं पाई लेकिन एकदम से मैंने फायरिंग की आवाज सुनी। जब देखा तो पापा रोड पर गिरे हुए थे और मम्मा बस रोए जा रही थी। आपा के जिससे बहुत खून आ रहा था, मैंने जख्म पे हाथ रखा तो ब्लीडिंग बंद हो गई, इसलिए मैंने तब से हाथ ही नहीं हटाया। वेरी गुड सिया, शाबाश। लेकिन तुम घबराओ मत, ठीक है? हम सब हैं ना यहाँ पर, कमिश्नर सर को कुछ नहीं होगा। इंजरी बहुत सीरियस है, सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं फौरन से अपने पति को देख के गहरा सदमा लगा है। मैम, 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 विराट जी, विराट मैम, हमारे कमिश्नर सर पे किसी ने हमला किया है, वो गोली लगी है, वो खून में लथपथ गिरे पड़े थे। कैसे, क्या? मैम आप प्लीज शांत हो जाइए और मुझे बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या है, सही से बताइए। हम लोग कहीं जा रहे थे और अचानक से गाड़ी पे गोलियां चलने लगी। मैंने इन्हें बहुत मना किया पर ये नीचे उतर गए और पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक से किसी ने इन पर रॉकेट फायर कर दिया और ये खून में लथपथ होकर नीचे गिर गए। एक मिनट, रॉकेट से फायर किया मतलब आर यू श्योर रॉकेट था? हाँ, वो रॉकेट सीधा इनके सीने के अंदर घुस गया। मैम अगर सर को रॉकेट लगा है तो फिर वो यहाँ कैसे? मैम आपने कोई ब्लास्ट होते हुए देखा था? नहीं। इसका मतलब वो रॉकेट अभी भी? सिया, तुम अपना हाथ धीरे धीरे हटाओ, ओके? धीरे धीरे हटाओ। सिया रुक जाओ, अपना हाथ मत हटाना, मत हटाना। विराट, ये क्या तरीका है? ये ऑपरेशन थिएटर है, तुम अंदर ऐसे नहीं आ सकते, सर्जरी शुरू होने वाली है, लीव। सिया, मेरी बात मानो, मत हटाना अपना हाथ, कोई कुछ मत करना, प्लीज रुक जाओ। विराट हमें हमारा काम करने दो, प्लीज जस्ट लीव। और मुझे मेरा काम करने दो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम ये बताओ सर का एक्सरे निकाला कि नहीं, चेस्ट का, बताओ। ओपन वुंड है, एक्सरे का टाइम नहीं है हमारे पास विराट, प्लीज लीव। क्या हुआ विराट सर, बात क्या है? सिया, सिया प्लीज तुम बिल्कुल भी मत डरना और अपना हाथ तो बिल्कुल भी मत हटाना वहां से। मेरी आवाज पर ध्यान दो प्लीज। मुझे बताओ तुम्हें अपने हाथ के नीचे क्या फील हो रहा है, किस तरह का मटेरियल? कुछ हार्ड सी चीज, कुछ मेटल जैसा है। मेटल? ओके, जैसा मैं कहता हूँ प्लीज सब ऐसा करना, ओके? आप सब बाहर आए। विराट, हम पेशेंट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, प्लीज प्लीज, जरूरी बात करनी है, प्लीज आओ, प्लीज आओ। घबराना नहीं, ओके? ये फिर से बात क्या है? कमिश्नर साहब की तबीयत क्रिटिकल है और हमें बाहर आने के लिए कह रहे हैं। बुरी खबर है इसलिए। क्या हुआ है? कमिश्नर सर पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ है।
रॉकेट, इसका मतलब उसकी हाँ हाँ अभी भी रॉकेट उनके सीने में है पर अभी ब्लास्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर उनकी बेटी ने अपना हाथ कमिश्नर सर के सीने से हटा दिया तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ है, सबकी जान को खतरा हो सकता है। किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे हम। हमें सबसे पहले हॉस्पिटल खाली करवाना होगा, वो भी बिना अफरा तफरी मचाए। ये बात हमारे अलावा और कोई नहीं जान सकता, भगदड़ मच जाएगी। वैसे मैं बैकअप टीम और बॉम्ब स्क्वाड को बुला रहा हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए कि कमिश्नर सर का एक्सरे ओटी में हो सकता है? यस, हो सकता है। गुड। सत्या जल्दी से एक्सरे निकालो, बॉम्ब स्क्वाड की हेल्प हो जाएगी इससे। और एक बात का ध्यान रखना, किसी भी हालत में सिया गलती से भी अपना हाथ कमिश्नर सर के सीने से नहीं हटा सकती, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।